दोस्तों, इंडियन आर्मी में काम करना बड़े गौरव की बात होती है। इससे अच्छा देश सेवा का कोई कार्य नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए क्या करें और क्या हैं रास्ते आर्मी ज्वाइन करने के लिए। आइए, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। इंडियन आर्मी में जाने के दो तरीके हैं। पहला, आप या तो सोल्डर जीडी, सोल्डर ट्रेडमैन, सोल्डर टेक्नीशियन या क्लर्क जैसी पोस्ट पर 10वीं एवं 12वीं के बाद जा सकते हैं। फिर एनडीए के द्वारा डिस्ट्रिक्ट आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। यह हम बात करने जा रहे हैं सोल्डर की आर्मी में सोल्डर की भर्ती के लिए। भर्ती थल सेना हर वर्ष हजारों पदों पर आवेदन मांगती ही है। पिछले वर्ष यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। तो यदि आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको फिजिकल और मेडिकल और लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। इन सब टेस्ट में अलग अलग डिसीट होते हैं जिनको मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसके आधार पर आर्मी में सिलेक्शन होता है। आइए संक्षिप्त में जानते हैं इन टेस्ट के बारे में। फिजिकल टेस्ट आर्मी में। फिजिकल टेस्ट में आगे अलग टेस्टों से कैंडिडेट को गुजरना होता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, 1600 मीटर की दौड़। इसमें कैंडिडेट को नंबर 1 में 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलता है और ग्रुप 2 में 5 मिनट 41 सेकंड तो 6 मिनट 20 सेकंड तक का टाइम मिलता है, जो निर्धारित समय में पूरी करनी होती है। इसके लिए डिसीट नंबर 4 ग्रुप 1 48 4 ग्रुप 2 है। नंबर 2, बीम पर फुल अप्स। इसमें कैंडिडेट जितने ज़्यादा पुल अप्स करता है उसे उतने ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं। मैक्स मार्क, इसके लिए 40 डिस्कोर्ड हैं जो मार्क्स 10 फुल अप करने पर मिलते हैं। नंबर 3, 9 फीट लंबी कून। इसमें कैंडिडेट को केवल पास होना ज़रूरी होता है। नंबर 4, शारीरिक संतुलन। इसमें भी कैंडिडेट को केवल पास होना ज़रूरी होता है। आइए आगे जानते हैं। मेडिकल टेस्ट आर्मी में फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपकी फिटनेस और बॉडी बाकी अन्य टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें प्रूफ हो जाता है कि आप पूरी तरह फिट हैं। राइट टेस्ट यानी लिखित परीक्षा। आर्मी में फिजिकल और मेडिकल के बाद कैंडिडेट को एक छोटा सा राइट टेस्ट भी देना होता है। कुछ पोस्ट जिनमें क्लर्क, स्टेनो, स्टोरकीपर, असिस्टेंट आदि पदों के लिए यह टेस्ट ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनकी इसी टेस्ट के नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इस तरह इन प्रक्रियाओं को पास करने के बाद जो कैंडिडेट आगे बढ़ता है उसे आर्मी द्वारा ट्रेनिंग देकर बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको हमारे वीडियो में कौन सी टिप्स अच्छी लगी और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।